वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। श्रीमद् भगवद गीता में यह उल्लेख आता है कि जीर्ण और फटे पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र को धारण करना मनुष्य का सहज स्वभाव है। वस्त्र मानव देह का आवरण ही नहीं, अलंकरण भी है। यह शरीर का मात्र परिधान ही नहीं, कलात्मक मंडन भी है। हमारी संस्कृति, हमारे व्यवसाय, हमारी भौगोलिक परिस्थिति का परिचायक भी है। रूप श्रृंगार के प्रथम अंग वासस अर्थात वस्त्र के हमारी शास्त्रीय परंपरा में कई भेद हैं। वल्कल, क्षौम, दुकूल, कार्पास, कौशेय, अंशुक और रांक। वनवासी मुनि वृक्ष की छाल से बने वल्कल धारण करते थे। क्षुमा नामक घास से बना वस्त्र क्षौम कहा जाता था। दुकूल भी पौधों की छाल के रेशों से ही बनता था। कपास की रुई को थुनकर और काटकर बनाया जाने वाला वस्त्र है कार्पास। कृमि कोशज रेशमी वस्त्रों को कौशेय कहा जाता है। दुकूल की तुलना में झीना रेशमी वस्त्र अंशुक और ऊनी वस्त्रों को रांकव कहा गया है। इन परिधेय वस्त्रों को अमरकोश में तीन भागों में विभाजित किया गया है, निबंधनीय, प्रक्षेप्य और आरोप्य। निबंधनीय वस्त्र अस्यूत अर्थात बिना सिले परिधान होते हैं, जिन्हें शरीर पर लपेट कर पहना जाता है। इनमें साड़ी, पगड़ी, धोती और लुंगी की गणना होती है। सिले हुए वस्त्र प्रक्षेप्य कोटि में आते हैं, जिनमें शरीर हाथ, पांव या गर्दन को प्रक्षेपित करके धारण किया जाता है। इनमें कंचुक या लंबा चोगा, लहंगा, कंचुकी, कुर्ता, कमीज, पजामा, इस तरह के वस्त्र आते हैं। शरीर पर ऊपर से आरोपित कर खुले खुले ढंग से धारण किए जाने वाले वस्त्र आरोप्य कहलाते हैं। उत्तरीय या दुपट्टा, चादर, कंबल, ओढ़नी आरोप्य वस्त्र हैं। ऋतु परिवर्तन के और मांगलिक प्रसंगों के अनुरूप वेश धारण करना भी वस्त्र सज्जा की सार्थकता का द्योतक है। आधुनिक युग में परिधानों में प्रतिदिन नए नए परिवर्तन होते रहते हैं, किंतु ये भी निर्विवाद सत्य है कि भारत के परंपरागत भव्य और गरिमामय परिधान आज भी आकर्षित करते हैं।